नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देसी जमींदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अमरूद की कटिंग और प्रूनिंग कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और क्या क्या तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अमरूद की प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का निशान इसको दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरूद की कटिंग कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये दो फेज़ में आती है। पहले फेज़ में क्या है, अगर आपको गर्मियों की फसल लेनी है तो कैसे कटिंग करनी है, और अगर आपको ओनली सर्दियों की फसल लेनी है कैसे कटिंग करनी है। तो अगर हम बात करें, मुझे जैसे अभी गर्मियों की फसल नहीं चाहिए, तो ये मेरे प्लांट लगभग 8 फीट के करीबन थे। जैसे ही मेरी फ्रूटिंग ख़त्म हुई जनवरी के एंड में, मैंने इनकी जो है वो प्रॉपर इनकी कटिंग कर दी, ओनली बड़ी शाखाएँ रखी हैं ताकि अब जो इनमें से शाखाएं निकलेंगी वो अभी गर्मियों के टाइम तक सिर्फ यहीं तक रहेंगी। तो मुझे गर्मियों का फल नहीं लेना, थोड़ा बहुत जो आएगा वो फल जो है वो हम मतलब घर घर गृहस्थी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही फ्रूटिंग आएगी। बाकी ज़्यादा फ्रूटिंग अगर आए तो आप तोड़ दीजिए, अच्छे प्लांट को जो है वो अच्छी ग्रोथ लेने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गर्मी की भी फसल लूँ और आपके प्लांट काफ़ी बड़े हैं, तो दोस्तों आपको ये पूरी जो मोटी टहनी है ये नहीं काटनी है। जैसे ये सब ब्रांचेज जो निकली हुई हैं, आप सारी सब ब्रांचेज को काट दीजिए, और जो ये ब्रांच का एंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टहनी है आपकी, इस टहनी का जो एंड पॉइंट है इसको काटिए ताकि अगली बार आपको इसके ऊपर जो है वो अमरूद मिले। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट मैं देखता हूँ, जैसे हमारा आगे का प्लांट है, मैं आपको इस प्लांट में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी ये शाखा है, आपके प्लांट पर ऐसी बहुत सारी शाखाएँ होंगी, तो अगर आपको गर्मियों की फसल लेनी तो आप इसको यहाँ से तोड़िए। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये टहनी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ यहीं से फुटाव होंगे, आपका फ्रूट इन्हीं के ऊपर रुकेगा। सेम एज इट इज़, इतनी हाइट अगर आपकी है तो आप में आप उसको उसी हिसाब से कटिंग करके और क्लीन कीजिए। और अगर आपको गर्मियों का फल नहीं लेना है, ओनली सर्दियों का फल लेना है, तो आप इस लेवल पर कटिंग कर सकते हैं। ये मेरी कटिंग जो है ये 20 से 25 जनवरी के आसपास हुई थी, आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो अब फुटाव आ गया है। ये देखो, हर जगह पे फुटाव है, हर जगह पे फुटाव है। तो इस फुटाव का यही बेनिफिट है कि अब की बार जो प्लांट्स निकलेंगे हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, कम हाइट पे हमें कम फ्रूट मिलेगा। मेरा हाइट डेंस है, कम फ्रूट मिलेगा। वैसे और जैसे अगर हम इनको प्रॉपर बड़ा रखते तो फ्रूटिंग ज़्यादा मिलती, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती फ्रूट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लग जाता तो उतना प्लांट का भी इतनी पावर होनी चाहिए न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करने की कि सभी फलों को वो अच्छा साइज़ दे पाए। तो मेरा हाई डेंसिटी होने की वजह से मैं एक प्लांट से कम क्वांटिटी लेता हूं फ्रूटिंग की, ताकि क्वालिटी है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों यही है। और जो भाई कहते हैं कटिंग कब करनी चाहिए, जैसे ही आपकी फ्रूटिंग ओवर हो आपको कटिंग कर देनी चाहिए। मेरे जो प्लांट हैं ये लगभग ये लगा लो 2.5 से 3 साल की रेंज के बीच के प्लांट हैं, तो मैंने अब जो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा चली गई थी इसलिए इनकी इस लेवल की कटिंग करके मैंने अभी इनको मेंटेन कर दिया, नहीं तो ये एक दूसरे के अंदर कंजेशन हो गया था, क्योंकि इनकी लाइन से लाइन जो दूरी है वो 10 फीट है और प्लांट टू प्लांट जो दूरी है वो 5 फीट है। तो दोस्तों अगर आप भी सेम इसी पैटर्न में कटिंग करने के, देखो बात करते हैं अब कटिंग के टूल्स के बारे में, तो कटिंग करने के बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ उन टूल्स के बारे में, तो वो उनका भी लिंक जो है मैं वो आपको आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी टूल आप इस्तेमाल करें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रॉपर जो शार्प एज है वो बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कटिंग है वो टूटनी नहीं चाहिए, कटिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर शार्प टूल है वो आपका होना चाहिए, ताकि प्रॉपर कटिंग होगी तभी फुटाव आ पाएगा, नहीं तो वहाँ पे फंगस लग के आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पूरे बाग को, मैंने जो अभी बंजर दिख रहा है ये लगभग 1 महीने में बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि फुटाव जो है वो उतना ही बढ़िया आएगा जितनी बढ़िया हमने कटिंग की है। तो ये वीडियो था उन भाइयों के लिए जो भाई कटिंग के बारे में हमारे से बार बार पूछ रहे थे, भाई कटिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से उन सभी के जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऑलरेडी मैंने पहले भी कटिंग का वीडियो डाला था, उसमें मैंने नॉर्मली कटिंग करके सभी प्लांट्स को मेंटेन किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।